एग्जाम्पल में आपको एक इक्वेशन दी गई है, एक इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन में मुझे एक बात बता दीजिएगा, इसका लीडिंग कोफिशियंट बता दीजिएगा, फाइंड लीडिंग कोफिशियंट। हाँ, अब आपका काम है सारे बच्चों का कमेंट करना, तो इसका लीडिंग कोफिशियंट बताइएगा कि लीडिंग कोफिशियंट, ओह सॉरी, इसमें पूछा जाता है कि फाइंड कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन अब मैंने बोल दिया है कि इसका लीडिंग कोफिशियंट बता दीजिएगा, तो इसका लीडिंग कोफिशियंट आप क्या बताओगे? हाँ, इसका लीडिंग कोफिशियंट, सर लीडिंग कोफिशियंट पहले तो बताना किसका है, ध्यान से सुनिएगा, लीडिंग कोफिशियंट बताना है मैक्सिमम पावर का कोफिशियंट है, मैक्सिमम वेरिएबल पावर का कोफिशियंट। सर मैक्सिमम वेरिएबल पावर, यहाँ तो एक्स पावर जीरो है, यहाँ वन है, यहाँ थ्री है, तो मैक्सिमम तो थ्री हुई, तो थ्री का जो कोफिशियंट है वही लीडिंग कोफिशियंट हो जाएगा, तो सर इसका कोफिशियंट वन है। शाबाश भाई, सभी ने जवाब दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समझ में आ गया है, लेकिन आप इसका कोफिशियंट बता सकते हो एक्स स्क्वायर का। सर एक्स स्क्वायर की तो टर्म ही नहीं है इसमें, ओह एक्स स्क्वायर तो है नहीं, एक्स स्क्वायर इसमें है बस आपका नजरिया नहीं है। अगर मैं आपको इसको इस तरीके से दिखा सकता हूं तो आप मानोगे, एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स की पावर जीरो। हाँ सुनिएगा ध्यान से, ये इक्वेशन इस तरीके की हो सकती है, अरे है ये इस तरीके की, तो इसका कोफिशेंट क्या हो गया, जीरो। बात तो समझ में आ ही गई होगी आपको।